नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि रागगिरी जैसे एक इतने खूबसूरत चैनल ने मुझे यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजनों को मेरा गाना पसंद आता है, और ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम्स में हुआ है कि जब मैं गा के उतरी हूँ तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेटा तुमने बहुत अच्छा गाया, तो उसके बाद और भी ज़्यादा उत्साह बढ़ जाता है कि हाँ और भी अच्छा गाना पड़ेगा, और भी ज़्यादा रियाज करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं 4 साल की उम्र से गाना सीख रही हूँ। तो मम्मी तो क्लासिकल गाती थी, तो शायद उनके मन में आया कि मुझे क्लासिकल सीखना चाहिए, और अभी मैं जो भी हूँ सब मम्मी के वजह से ही हूँ, यहाँ तक मम्मी की वजह से ही आ पाई हूँ, तो ये पूरा क्रेडिट मम्मी को ही जाता है। ठीक है, तो फिर मैं एक भजन गा के आपको सुनाती हूँ। से गाना सीखती हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब से, तो घर में तो एक संगीत का माहौल पहले से ही था, तो मैं छोटे में थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेती थी, तो मम्मी को लगा कि शायद मैं गाने में आगे बढ़ सकती हूँ। तो हमारे घर के पास ही एक मैम थी, तो मम्मी मुझे सबसे पहले उनके पास लेके गई, तो वहाँ से ही मेरी गाने की जर्नी शुरू हुई। जी हाँ, क्लास में जो नॉर्मल बच्चे हैं और उनमें और मुझ में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि क्लास में सब लोग जानते हैं कि मैं गाना गाती हूँ, और टीचर्स लोग तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जब भी कोई ऑफ पीरियड होता है वो लोग मुझसे हमेशा गाना सुनते हैं, और अगर हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हुआ जैसे कि रिपब्लिक डे का फंक्शन, 15 अगस्त का फंक्शन, तो उसमें मैं हमेशा गाना गाती हूँ। और क्योंकि मैं गाना गाती हूँ तो हमेशा मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती, तो उसमें भी टीचर्स मुझे बहुत हेल्प करते हैं। जब बहुत ज़्यादा शैतानी करने का मन करता है, तो फिर इतना तो कभी मन नहीं करता शैतानी करने का, पर अगर कभी मन किया तो मेरी बहन को, छोटी बहन है, उसे कीड़े मकोड़े से बहुत डर लगता है, तो अगर कभी ऐसे कीड़े मकोड़ा ड्राइंग करके उसके यहाँ पर कंधे में रख दो तो वो सारा घर भागती रहती है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है, बस वही करती हूँ। और जहाँ तक रही शरारत की बात, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। 6 बजे उठना है तो एकदम 6 बजे ही, उसके बाद फिर रियाज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर योगा प्राणायाम करना पड़ेगा, तो एकदम सब टाइम टू टाइम चलना पड़ता है, तो इसलिए शरारत के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, मुझे दोनों के लिए डांट पड़ा है। कभी रियाज ज़्यादा हो जाता है तो भी डांट पड़ता है, कभी रियाज कम हो जाता है तो भी डांट पड़ता है। तो अगर कभी रियाज ज़्यादा हो गया, जैसे मेरी छोटी बहन जो है वो तबला बजाती है, तो कभी अगर उसके साथ तबला लेके मैं बैठ गई तो एक राग बहुत टाइम तक जाता है, तो मम्मी आके बोलती है 1 घंटे
घंटे से एक गाना कर रही है और सब कब करेगी, तो थोड़ा डांट पड़ जाता है तब। और फिर जब बिल्कुल रियाज नहीं किया, फिर थोड़ा कम किया, तो फिर डांट पड़ जाती है। मम्मी बोलते हैं बिल्कुल रियाज नहीं कर रही है, कैसे गाएगी, तो थोड़ा डांट पड़ जाता है। जी नहीं, मैं छोटे में फिल्मी गाना नहीं सुनती थी, मैं ज़्यादा भजन वगैरह सुनती थी, और शंकर महादेवन जी, हरिहरन जी, ये लोग के गाने मैं ज़्यादा सुनती थी। तो मैं जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो मैंने फिल्मी गाने सुनना शुरू किया और देखा कि बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं फिल्मी गाने। तो मैं कोई फिल्मी गाने के दो लाइन सुनाने की कोशिश करती हूँ। मन वाला गे, ओ मन वाला गे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ये तेरा हो जिया खजिया खजिया कनिदावरे। मन वाला गे, ओ मन वाला गे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ये तेरा हो जिया खजिया खजिया कनिदावरे। सीरियसली ले रही हूँ, रियाज भी करती हूँ और पढ़ाई को भी सीरियसली ले रही हूँ, तो आगे क्या होगा पता नहीं, पर दोनों को अभी मैं ठीक से कर रही हूँ। हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मम्मी कभी गुस्सा हो जाती है तो फिर मैं मम्मी को कोई भी एक अच्छा गाना जो कि मम्मी को पसंद हो या फिर बहुत अच्छा गाना है, तो उसको मैं खुद में खुद ऐसे ही गुनगुनाती रहती हूँ, या फिर प्रैक्टिस करने के टाइम उसी गाना को अच्छे से एकदम गा देती हूँ, तो फिर मम्मी उसके बाद फिर मम्मी शांत हो जाती है और नहीं डांटती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी गुरुजनों को मेरी तरफ से प्रणाम।